एक्सक्यूज मी, ऑपरेशन थिएटर कितना है? आगे से लेफ्ट। थैंक यू। अतुल, डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? खतरे की कोई बात नहीं, फिर भी ऑपरेशन करना पड़ेगा और खून की भी जरूरत पड़ेगी। खून चढ़ाना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, हम में से जिस किसी का भी खून मैच करे आप ले लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज। डोंट वरी, पेरेंट्स से मिल जाएगा। आप लोग जाके लैब में जाके अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए प्लीज। जाओ जल्दी जाओ। मिस्टर अतुल, आई एम सॉरी, आप दोनों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप बच्चे के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। मदर और फादर में से किसी एक का तो ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं ब्लड का इंतजाम कर दूंगा। बट बाय द वे, आपने बच्चे को अडॉप्ट किया है क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट में कोई मिस्टेक हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। खैर आप अपनी तसल्ली के लिए आप चाहें तो दोबारा टेस्ट करा लीजिएगा, वैसे ब्लड देकर आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके। अमिता, धीरे रखो, सब ठीक हो जाएगा। घबराइए नहीं, दो चार दिन में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से इसे होश कब तक आएगा? अरे चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। थैंक यू। अनीस बाबू आपको किधर रखा है? आप दोनों में से किसी का भी ब्लड ग्रुप बच्चे के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। मदर और फादर में से किसी एक का तो ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। बट बाय द वे, आपने बच्चों को अडॉप्ट किया है क्या? पापा, मम्मी, पापा, मम्मी। अनीश बेटा, क्या हो गया? कुछ चाहिए तुझे? किस बात का? मैं हूं ना तेरे पास। चल सो जा। हाँ शाबाश, सो जा। सो रहा है? पहले से ठीक है ना? तुम जाओ आराम करो, मैं बैठती हूँ। ठीक, चलता हूँ। अमिता बेटी, डॉक्टर क्या कहते हैं हमारे दोस्त को, वो यहाँ कब तक रखेगा? बस दो दिन और छुट्टी।
ये देखो मम्मी अनीश के लिए क्या लेके आई है, टेस्टी सूप, पी लो। पियो अपने मम्मी। अभी क्यों नहीं, सूप पियोगे तो ताकत आएगी और ताकत आएगी तो अनीश जल्दी से बाहर खेलने जाएगा। गुड बॉय, चलो मुंह खोलो। खोलो तुम बहुत जिद करती हो। ओहो मैं जिद करती हूँ? चलो कोई बात नहीं, फिर भी तुम पी लो। यार कोठारी अपना क्या है, अपना तो वही रूटीन वर्क है, रोज रोज वही काम। तू बता तेरा धंधा कैसे चल रहा है? चल रहा है, जब तक लोग बीमार पड़ते रहेंगे दवाइयां बिकती रहेगी, दवाइयां बिकती रहेगी अपना धंधा चलता रहेगा। लोग बीमार पड़ना बंद हो जाए तो तेरी दवाइयां बिकना बंद हो जाएंगी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, तू कोई और धंधा कर लेगा। धंधा क्यों, तुम्हारे यहाँ नौकरी कर लूंगा। ले यार चाय पी। क्या यार लंच के टाइम पे चाय पिला रहे हो? आज चाय पी लेना, लंच किसी और दिन कर लेंगे। तुम्हारे कॉलेज की आदत अभी तक गई नहीं, हमेशा नहले पे दहला मारते। यार कोठारी तू तो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है ना? हाँ? एक बात बताएगा प्लीज? हाँ बताऊंगा, फीस भी नहीं लूंगा, तेरी चाय पी रहा हूँ। नहीं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सेक, क्या बच्चे का ब्लड ग्रुप माँ बाप में से किसी एक के ब्लड ग्रुप से मिलना चाहिए? हाँ अक्सर कॉमन ब्लड ग्रुप में तो यही पाया जाता है, अगर कोई रेयर ब्लड ग्रुप हो जैसे कि ओ नेगेटिव तो ऐसा नहीं भी हो सकता है। नहीं मान लो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और माँ या बाप में से किसी एक का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं है तो उसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, बच्चा उनका नहीं है, मतलब एडॉप्टेड है। लेकिन अगर बच्चे ने उसी माँ के पेट से जन्म लिया हो तो हो सकता है बाप कोई और हो। लेकिन ये सब नॉलेज का तुम क्या करोगे, मेरे पेट पे लात मारने का इरादा है क्या? देखो तुम अपने धंधे पे ध्यान दो, मैं चला अपने धंधे पे। चल सी यू, तुम्हारा लंच रेडी है। गुड इवनिंग, चाय लेके आती हूँ। बहुत खामोश हो आज, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक। आज ऑफिस में काम ज्यादा था क्या? नहीं तो। तो फिर इतने टेंस और एग्जॉस्टेड क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं, I'm all right. You're not all right, अतुल। तुमने ना पानी पिया ना चाय पी रहे हो, और सबसे बड़ी बात तो ये तुमने ये नहीं पूछा कि अनीश क्या कर रहा है, फिर कैसे मालूम कि ऑल राइट? अमिता प्लीज लीव मी अलोन प्लीज। अतुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। एनीवे चाय पी लेना, ठंडी हो जाएगी। हो सकता है बाप कोई और हो। अतुल।
ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? कुछ कुछ बताते क्यों नहीं? मैंने पहले तो तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं देखा है। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो, आखिर बीवी हूं मैं तुम्हारी। अतुल प्लीज, फॉर गॉड्स सेक कुछ तो बताओ, तुम्हारी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कुछ नहीं, तुम सोचो। चलो जल्दी ब्रेकफास्ट करो, बैठो। पहले टॉमी को खिला दो। पहले तुम खाओ, टॉमी बाद में खा लेगा। चलो बैठो। एक मिनट, तुमने हाथ नहीं धोए? क्या बात है, तुम्हारी आंखें बिगड़ती जा रही हैं। जाओ हाथ धो के आओ। सॉरी पापा। प्यार से भी तो कह सकते थे। ज्यादा लाड प्यार से आंखें बिगड़ जाती हैं। तुम्हें काम करो, आज उसको स्कूल छोड़ देना। छोड़ दूंगी। लो बेटा, जल्दी ब्रेकफास्ट करो। मैं चलता हूँ। अतुल, शाम को जल्दी आना। कोशिश करो। हेलो, कोठारी बोल रहा हूँ। तुमने आज के पेपर में न्यूज पढ़ा है क्या? कौन सी न्यूज? अरे वही यार, क्या कोइंसिडेंस है। याद है तुमने पूछा था ना वो ब्लड ग्रुप वाला चक्कर? हाँ मुझे याद है, न्यूज क्या? हाँ बहुत मजेदार है, दिल्ली में ऐसा ही एक केस हुआ, बेचारे बच्चे की माँ की पोल खुल गई। तेरे डिटेल में बता, क्या कह रहा है? अरे हस्बैंड को अपने वाइफ पे इतना डाउट हुआ कि भाई साहब ने डीएनए टेस्ट से कंफर्म करा लिया। क्या? यही कि बच्चे का बाप वो नहीं है। याद है ना मैंने कहा था बाप कोई और होगा, और यहाँ भी बाप कोई और ही निकला। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। पढ़ ले। पढ़ना क्या है, तुमने सब कुछ बता ही दिया। अब कोई और ही। थैंक यू। आज रिपोर्ट कार्ड मिला है ना? हाँ। लिखाओ, निकालो, इधर से ऐसे। शाबाश, मेरा बेटा तो बहुत अच्छे नंबर लाया है। पापा ऑफिस से आएंगे ना, सबसे पहले उनको ये दिखाना। पापा को नहीं दिखाऊंगा। क्यों? सुबह मुझे क्यों डांटा? दो बार डांटा। ओहो, इसलिए बेटा पापा से नाराज है? बेटा पापा तुम्हें समझा रहे थे, अच्छी बातें सिखा रहे थे अपने बेटे को, है ना? Thank you.
गया? देर हो गई थी तो एक फोन ही करते थे। एक्चुअली मैं बहुत टेंशन में थी। अतुल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या बात है अतुल, क्या बात है, कोई परेशानी है? आज तक तो हर बात तो मुझे बताते आए हो, लेकिन कल से आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुझसे बात भी करने को राजी नहीं हो? कोई टेंशन है तो आप मुझे नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे अतुल? क्या बताऊं तुम्हें मैं, कुछ बताऊंगा उससे पहले तुम जानती हो। मैं जानती हूं? क्या जानती हूं मैं? देखो पहेलियां मत पूछो, जो कहना साफ साफ कहो, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई अमिता, गलती तो मुझसे हुई है कि जो मैंने आंख मूंद कर तुम पर विश्वास रखा। क्या अतुल, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना नहीं, पूछना चाहता, अनीश किसका बेटा है? हमारा बेटा है और किसका? नहीं, हमारा बेटा नहीं है वो, अनीश तुम्हारा बेटा है। अनीश मेरा कुछ नहीं, उसका बाप कोई और कुछ नसीब। What nonsense! अतुल दिमाग फिर गया आपका, दिमाग फिर गया है? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अब समझ में आई कि ये बात आपके दिमाग में कैसे घुस गई है। उस दिन अनीश का ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं किया, इसलिए ना, इसीलिए आप मुझसे अजनबियों की तरह बिहेव कर रही हैं, इसीलिए आपकी ये थिंकिंग है। लेकिन अतुल आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उसका ब्लड ग्रुप तो मेरे ब्लड ग्रुप से मैच भी नहीं किया? मैंने तो नहीं कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने तो नहीं कहा कि उसकी माँ कोई और है। चिल्लाओ मत, प्लीज, तुम्हारे चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाती। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ अतुल, कि आपके कुछ कहने से या अनीश का ब्लड ग्रुप हम दोनों में से मैच नहीं करने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। वो हमारा बेटा हमारा ही रहेगा। अतुल, अतुल, मैं तो आपको बहुत समझदार, बहुत सुलझा हुआ इंसान समझती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरा बहन है। आप बहुत घटिया इंसान है जो अपनी बीवी पर इतनी सी बात के लिए शक कर रहा है और अपने बेटे को अपना बेटा मानने से इनकार कर रहा है। बोलिए, शक की कोई वजह होती है? और मेरे पास सिर्फ वजह नहीं, मेरे पास सबूत है। अच्छा, सबूत है आपके पास? जिस बात का वजूद ही नहीं है उस बात का सबूत है आपके पास? ठीक है, ठीक है, दीजिए मुझे सबूत, अभी इसी वक्त मुझे सबूत चाहिए। सबूत ये है वो सच कि कॉमन ब्लड ग्रुप होने के बावजूद अनीश का ब्लड ग्रुप तुम्हारे या मेरे ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता, जो नहीं होना चाहिए। अतुल प्लीज, एक मिनट, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है अमिता। हमारा रिलेशन विश्वास की उस इमारत में बना, वो आशियाना था जो रेत की दीवारों से बंधा हुआ, बस अपने आप ठीक। मैं, आइए मेरे साथ, अतुल आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, चलिए इधर आओ। अगर ये सिर्फ मेरा बेटा है तो मैं इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आया अतुल, कभी कोई नहीं आया। चलो मेरे साथ, चलो अतुल, अतुल इनसे बड़ा तो कोई नहीं है ना, देखो मेरी तरफ, इनसे बड़ा तो कोई नहीं है ना। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, अनीश सिर्फ और सिर्फ हमारा बेटा है और किसी का नहीं।
मेरी बात का यकीन करो प्लीज। देखो देखो मैं कुछ नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है क्यों, लेकिन इतना जरूर जानती कि तुम गलत हो और तुम्हारा सच गलत है। बोलिए। अतुल मेरी बात का यकीन करो ये गलत है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा भगवान जानता है, मेरा भगवान जानता है, अनीश सिर्फ हमारा बेटा है, किसी का नहीं है, अनीश सिर्फ हमारा बेटा है, मेरी बात का यकीन करो प्लीज।